हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम पार्टनर चैनल। मैं हूं आपका एग्जाम पार्टनर प्रवीण सिंह राजपुरोहित और आज अपन पढ़ने वाले हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने इसका बेसिक पार्ट देखा था डिफरेंशियल इक्वेशन का, देन डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे रिड्यूस करना है वीएस फॉर्म में, वो भी हमने देखा हुआ है बराबर। और यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज करना है, वो उसका भी हमने वीडियो देखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने वो सारे वीडियोज नहीं देखे हैं तो जाके एक बार देख लो, चैनल पर मैं ऑलरेडी अपलोड कर दिए हुए हैं। अगर आप वो वीडियो देख के यहाँ पे अगर इस वीडियो को देखते हो तो आपको कॉन्सेप्ट काफी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी वही सारे स्टेप्स यहाँ पे हम यहाँ पे प्रोसीड करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं क्या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, कि अपना होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है और इसमें कौन कौन सी स्टेप्स आती है जो अपने को फॉलो करने पड़ेगी जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब, ठीक है। तो चलो अपन वीडियो शुरू करते हैं। नाउ टॉपिक है आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले इसकी एक डेफिनेशन पढ़ते हैं अपने अपने सामने जो गिवन है यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे अपन क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। The differential equation is said to be homogeneous if mxy and n of x, y are homogeneous function in x and y of the same degree. मतलब क्या बोलता है ये एग्जैक्टली कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन को तभी अपन होमोजीनियस बोलेंगे जब आपका जगह मान लो फंक्शन है एम एक्स कॉमा वाई एंड एन कॉमा वाई आर होमोजीनियस फंक्शन, अगर आपका इन एक्स एंड वाई ऑफ द सेम डिग्री, यानी कि आपका एक्स और वाई का जो डिग्री है दोनों फंक्शन में अगर सेम होता है वो, तभी हम उसको क्या बोलेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ना अगर वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं तो उसका बाद का स्टेप आपका पता क्या होगा, आपका स्टेप होगा पुट वाई इक्वल्स टू यू एक्स। समझ में अच्छी तरीके से। नाउ जैसे आपका होमोजीनियस इक्वेशन निकलेगा आपको क्या करना है वाई इक्वल्स टू यू एक्स आपको पुट करना है, और इनको पुट करने के बाद में इसी को आपको डिफरेंशिएट करना है। तो y मिल जाएगा आपको dy बाय dx इक्वल टू u प्लस एक्स इंटू du अपॉन dx। समझ में अच्छी तरीके से। तो ये था क्या इसका बेसिक फंडा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। अब आते हैं इसके एक क्वेश्चन के ऊपर कि इसके क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, और वो भी अपन देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ध्यान से देखना यहां पे एक बार, क्वेश्चन है आपका सॉल्व x dy बाय डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल्स टू वाई। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चेक करना है कि x और y का डिग्री कितना है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है बराबर, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी अपना क्या होना चाहिए स्क्वायर होना चाहिए बराबर। अब कैसे होगा यहाँ पे वो अपन देखते हैं। गिवन आपको मैंने जो इक्वेशन मैंने एज इट इज पूरा पूरा लिख दिया, ठीक है। अब मान लो ये मेरा वाई स्क्वायर है, मैक्सिमम कितना वहां पे वाई स्क्वायर है, तो मुझे एक्स को भी स्क्वायर करना पड़ेगा राइट। तो कैसे यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, x को अगर मैं यहाँ पे पूरा डिवाइड बाय x करता हूं पूरे इक्वेशन में तो मुझे मिल जाएगा। तो देखो डिवाइड बाय x थ्रू आउट इक्वेशन, तो यहाँ पे अगर मैं x से डिवाइड करता हूं तो x x बाय x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या dy बाय dx प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। तो देखो यहाँ पे इसका भी वाई स्क्वायर कितना है, वाई स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे देखो वाई का वन है, यहाँ पे भी एक्स का वन है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल टू बीच में। तो यहाँ का जो डिग्री है ऊपर और नीचे का सेम है, और यहाँ पे जो डिग्री है उसका भी ऊपर नीचे का डिग्री सेम है यहाँ पे। समझ में आया। तो दिस इज माई होमोजीनियस इक्वेशन। अब सिंपल होमोजीनियस इक्वेशन मिल गया, अब क्या करना है अपने को पुट y इक्वल्स टू यू एक्स, जो मैंने आपको ये प्रोसीजर आपको भी जस्ट मैंने बताया था, ठीक है। तो y मेरा आ जाएगा dy बाय dx इक्वल्स टू u प्लस एक्स du बाय dx। समझ में आया। नाउ अब देखो ये मेरा इक्वेशन है, तो यहाँ पे dy बाय dx मुझे क्या मिल रहा है, देखो dy बाय dx मैंने पुट करने मुझे क्या मिला यहाँ पे u प्लस एक्स du बाय dx। तो इस पूरे इक्वेशन इस dy बाय dx के बदले मैं क्या करूंगा ये पूरा पूरा उठा के मैं यहां पुट कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा u प्लस एक्स du बाय dx प्लस y अपॉन एक्स मेरा क्या था यहाँ पे, देखो y अपॉन एक्स ऐसे निकलेगा y इक्वल टू यू एक्स था, तो x को मैं यहां लेके आया तो मुझे y अपॉन एक्स मिलेगा u, तो ये मेरा हो जाएगा यू स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये अपना वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसीलिए इक्वल टू y अपॉन एक्स मिलेगा मुझे u। समझ में आया। अब इसके आगे मुझे क्या करना है यहाँ पे कि इनको वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे देखते हैं। देखो यहाँ पे u है, यहाँ पे प्लस u है, ये यू यू मेरा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा बराबर। अब कैसे होगा वो देखते हैं एक बार। देखो वो कैंसिल हो गया, बचा गया सिर्फ एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब प्लस यू स्क्वायर को मैंने यहां पे लेके आया तो मुझे मिल गया माइनस यू स्क्वायर। समझ में अच्छी तरीके से, पक्का ठीक है। नहीं समझा तो एक बार वापस से पूरे वीडियो को रिवर्स ले लो और अच्छे से एक बार देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट काफी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नाउ एक्स डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर मिल गया। अब यहाँ पे क्या करो वेरिएबल को सेपरेट कर दो। कैसे करेंगे, देखो ये x dx है, अब dx हमेशा अपना क्या होना चाहिए ऊपर होना चाहिए, मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो मैं इसको पूरा x और dx को उठा के यहां से मैं राइट में लेके आ जाऊंगा और इस u माइनस यू स्क्वायर को या फिर यू स्क्वायर को मैं यहां लेके आ जाऊंगा, तो ये मुझे मिल जाएगा यहाँ पे। देखो कैसे मिलेगा x du बाय x du इक्वल्स टू माइनस यू स्क्वायर dx, और नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा मुझे
डी यू अपॉन यू स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। तो ये स्टेप के बाद मैंने क्या किया कि सिर्फ dx को लाया था ये वाले स्टेप में, ठीक है, और उसके बाद में मैंने क्या किया इस x को यहां लेके आया और u को यहां लेके आया, तो मुझे मिल गया du यू अपॉन यू स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। अब वेरिएबल सेपरेट हो गए, u u आ गया, x x साथ में आ गए, अब क्या करना सिंपल सा, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड को आपको यहां पे इंटीग्रेट कर देना है, दैट्स इट। और आपका जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या होगा यहां पे, इंटीग्रेशन डी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू जीरो। नाउ इसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो अपने को मान लो पे कैसे निकलेगा, ये यू स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा अपने को, यू रेस टू माइनस टू डी यू प्लस वन अपॉन एक्स मिल जाएगा लॉग एक्स इक्वल टू जीरो प्लस सी, मेरा कॉन्स्टेंट हमेशा यहां पे एक्स्ट्रा आता है, ठीक है। तो u रेस्ट टू माइनस टू का मुझे आंसर मिलेगा माइनस वन अपॉन यू, ये सिंपल सा इंटीग्रेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वही मैंने यहाँ पे यूज किया है और कुछ नहीं, प्लस लॉग एक्स इक्वल टू सी। नाउ u मेरा क्या था यहाँ पे, y अपॉन एक्स था, तो ये हो गया लॉग एक्स माइनस वन अपॉन y अपॉन एक्स इक्वल टू सी। नाउ ये मेरा ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा मुझे, लॉग एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू सी। तो दिस इज माई जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन था इसका मेरा वो जनरल सोल्यूशन है। तो इस तरीके से आप आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, समझ में आया। आने वाले वीडियो में और एक मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं, तो वीडियो को लाइक करना भूलना मत, सब्सक्राइब करना भूलना मत। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दे, सब्सक्राइब करके रख दो और बेल आइकन प्रेस करना भूलना मत, क्योंकि आगे बहुत सारी वीडियो जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के आने वाले हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।